मूवी की शुरुआत में बैकग्राउंड में एक आदमी की आवाज अर्थ की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में हमें बता रही है। वो ये कहता है कि एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन और सूरज इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, लेकिन अब अर्थ के लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वो आगे ये कहता है कि ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि सूरज को बर्बाद हुए कितने दिन हो चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज के निकले नया दिन गिन पाना इम्पॉसिबल जैसा लगता है। कुछ सालों पहले इंसानों ने पेट्रोल, कोल और बाकी रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और तभी से लोग सोलर एनर्जी पे पूरी तरह डिपेंडेंट होने लगे। नरेटर फिर उन लोगों पे हंसता है जो ये कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए सूरज कल फिर से निकलेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो रहा है। सूरज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और दुनिया के लोगों के पास अब कोई भी फ्यूल का सोर्स नहीं बचा हुआ है। मूवी में अब उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन सूरज धीरे धीरे बर्बाद हो गया था। स्टोरी की शुरुआत फ्यूचरिस्टिक चाइना में होती है, जहां सब कुछ सोलर पावर से ही चलता है। अगले सीन में संगयान नाम के आदमी को एक फ्यूचरिस्टिक एआई नींद से जगाती है, जिसका नाम इल्सा है। उठते ही यांग काम पे लग जाता है और हीलियस नाम की एक बड़ी कंपनी के सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज करने लगता है। हीलियोज ही वो कंपनी है जो चाइना के ज्यादातर हिस्सों में सोलर पावर पहुंचाती है। इसी वजह से हीलियोज के सीईओ वैंग की सभी तारीफ करते हैं। यांग हीलियोज के सैटेलाइट का डेटा एनालाइज कर रहा है, फिर वो अपनी कंपनी की वेबसाइट पे उस डेटा को अपडेट करने लगता है। लेकिन अपना काम करते वक्त यांग ये नोटिस करता है कि सोलर सिस्टम में एक स्टार अचानक से गायब हो गया है। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उस स्टार के गायब होने के कारण सूरज में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन तभी इल्सा उसे याद दिलाती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कारण सूरज कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता, इसलिए जो वो कह रहा है वो पॉसिबल नहीं है। कुछ देर बाद यांग अपने घर से बाहर कुछ काम से जाता है, तभी ये दिखाया जाता है कि हर तरफ लोग हीलियोज कंपनी के सोलर पैनल्स को ही यूज कर रहे हैं। पूरे चाइना में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हीलियोज अपना कब्जा नहीं जमा पाई है, और उस जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट 4 है। अगली सुबह यांग की नींद अपने कंप्यूटर के इमरजेंसी अलार्म के कारण खुलती है। उसे पता चलता है कि सूरज की ब्राइटनेस अचानक से ही 15% कम हो गई है और वो बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। तभी इल्सा उसे बताती है कि उसने कल सूरज के बारे में जो कैलकुलेशंस किए थे वो बिल्कुल सही थे। ये सुनते ही यांग इल्सा को हीलियोज के सीईओ वैंग को कॉल करने के लिए कहता है। यांग फिर वोंग से पूछता है कि क्या उसे पता था कि आज सूरज बर्बाद होने वाला है। वैंग उल्टा उससे ही ये पूछने लगता है कि तुम क्या करोगे अगर आज पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली हो। ये सुनके यांग उसे रिप्लाई देता है कि वो जिंदा रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेगा। ये सुनते ही वांग यांग को एक एड्रेस देता है। वो कहता है कि अगर आज तुम बच गए तो इस एड्रेस से पहुंच जाना। कुछ देर बाद ही यांग अपनी पड़ोसी के घर में जबरदस्ती घुस जाता है ताकि वो सूरज को अच्छे से देख सके। जैसे ही वो विंडो के सामने जाके खड़े होता है, सन एकदम से फ्लिकर करने लगता है। उसकी पड़ोसी यांग को अपने घर में देख पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और वो लगातार उसे वहां से चले जाने के लिए कह रही है। लेकिन यांग इतने ध्यान से सन को खत्म होता देख रहा है कि वो उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सारे न्यूज चैनल्स बारे में बात करने लगते हैं और तभी वर्ल्ड के दूसरे कोनों से मून के फ्लिकर होने की न्यूज आने लगती है। तभी एकदम से सन को ज्यादा तेजी से फ्लिकर करने लगता है और कुछ सेकंड्स में ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। यांग फिर अपने रूम में वापस चले जाता है। उसकी पड़ोसी चेनमू भी ये समझना चाहती है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो भी यांग के पीछे पीछे चले जाती है। यांग उसे अभी भी पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। वो फिर इल्सा से पूछता है कि अब आगे क्या होने वाला है। इल्सा उसे एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और एक साल के अंदर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म होने लगेगी और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मारे जाएंगे और अर्थ एक जमा हुआ बर्फ का गोला बन के रह जाएगा। यांग फिर चेनमू को सिटी छोड़ के चले जाने के लिए कहता है और फिर वो अपने घर से बाहर चले जाता है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। ग्रोसरी स्टोर्स लोगों से पूरी तरह भरा हुआ है क्योंकि लोग सारे जरूरत का सामान अपने घर में जमा करके रखना चाहते हैं। कुछ लाइट्स अभी भी काम कर रही है लेकिन 24 घंटों में ही वो भी बंद हो जाएगी। यांग फिर जल्दी से एक वाटर बॉटल और सिटी का एक मैप लेके वहां से चले जाता है ताकि वो वैंग के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच सके। यांग पैदल ही उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में वो एक अंधेरी गली से गुजरता है, तभी एक आदमी उस पर अचानक से अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और यांग के सारे पैसे चुरा लेता है। जैसे ही यांग को होश वापस आता है, इल्सा उसे बताती है कि वो पिछले 12 घंटे और 18 मिनट से सो रहा था। यांग फिर जल्दी से अपने अपार्टमेंट में कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान लेने चले जाता है। तभी यांग की पड़ोसी चेनमू अपना बैकपैक लेके यांग के पास आ जाती है और कहती है कि उसे उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए यांग की हेल्प चाहिए। लेकिन यांग उसे कह देता है कि वो उसकी कोई भी तरह की हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन यांग जब ये सुनता है कि चेनमू के पास एक कार है, वो उसके साथ ही जाने का डिसाइड करता है। आगे बढ़ने से पहले चेनमू यांग से ये प्रॉमिस करवाती है कि सीईओ वांग से मिलने के बाद यांग को उसके पेरेंट्स के घर चलना होगा। कुछ देर बाद ही वो लोग वांग के घर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद चेनमू कार से उतर के वॉशरूम चली जाती है।
मौके का फायदा उठाने के चक्कर में यांग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। चेनमू वापस आके उससे पूछती है कि उसने कार दूसरी जगह क्यों पार्क कर दी। ये सुनते ही यांग उसे झूठ कह देता है कि वो शॉर्टकट से जाने के लिए यू टर्न ले रहा था। बहुत देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों फाइनली वैंग के घर पहुंच जाते हैं। उसके घर में पहले से कुछ और भी लोग हैं जो सूरज के बर्बाद होते ही वहां पे बुरी तरह फंस गए हैं। वो सभी मिलके कैंडल्स के आसपास बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। वही यांग अकेले एक कोने में बैठा रहता है। कुछ देर बाद उसके स्मार्ट वॉच की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से इल्सा भी बात करना बंद कर देती है। ये देख यांग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इल्सा ही उसकी अकेली फ्रेंड थी। चेनमू ये नोटिस करती है और यांग से बात करके उसे बेटर फील कराने की कोशिश करती है। वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद वांग वहां पे आता है। उसे देख यांग ये पूछ ही लेता है कि उसका प्लान क्या है, क्योंकि वांग एक बिलियनियर है। यांग को पूरा भरोसा है कि उसके पास बिना सन के जिंदा रहने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। लेकिन अर्थ की इस कंडीशन से वांग के पैसे भी उसे नहीं बचा सकते हैं। वो कहता है कि वो अपने घर में बैठ के ही मौत का इंतजार करेगा। वांग को लगता है कि सोलर सिस्टम में अर्थ जैसा एक और प्लैनेट है जहां के लोग इंसानों जैसे ही है, और वही लोग स्टार्स की एनर्जी का यूज करके कुछ कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने सन की भी पूरी एनर्जी को यूज करके अर्थ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। सोलर सिस्टम के बीचों बीच एक वर्म होल बन गया है, और कुछ सालों में ही सारे प्लैनेट्स उस वर्म होल के अंदर जाके बर्बाद हो जाएंगे। आखिर में वांग को डिस्ट्रिक्ट 4 के कोऑर्डिनेट्स देता है और ये कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। कुछ देर बाद ही यांग चेनमू के साथ आगे बढ़ने लगता है। एक दिन में ही अर्थ का टेम्परेचर इतना गिर गया है कि यांग के बॉटल में रखा पानी पूरी तरह जम गया है। तभी चेनमू एक स्पेस शटल को टेक ऑफ करते देखती है। यांग ये देख के कहता है कि अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे प्लैनेट में भाग रहे हैं। वो फिर चेनमू को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ के वांग के बताए हुए लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते में वो ये नोटिस करता है कि चेनमू का पौधा उसकी कार में रह गया है, इसीलिए वो उसे लौटाने वापस जाने लगता है। जैसे वो चेनमू के घर पहुंचता है उसे वो बहुत ही परेशान और डरी हुई दिखती है, और वो कुछ बोल भी नहीं रही है, जो देख यांग को बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि जब से वो चेनमू से मिला है वो बोले ही जा रही है। तभी ये बताया जाता है कि सन के बर्बाद होते ही सारे लोग टाउन छोड़ के भाग गए थे। चेनमू के घर में रखा एक्वेरियम भी अब धीरे धीरे फ्रीज होने लगा है। तभी यांग एक दूसरे रूम में जाके देखता है कि चेनमू के पेरेंट्स एक बेड पे मरे पड़े हुए हैं। यांग फिर चेनमू के फादर के हाथ से एक लेटर निकाल के चेनमू को पढ़ने के लिए दे देता है, जहां पता चलता है कि सन के बर्बाद होते ही वो लोग चेनमू के घर आने का वेट कर रहे थे। उनका प्लान था कि चेनमू के आते ही वो लोग भी सभी की तरह टाउन छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लोग और कितनी देर जिंदा रह पाएंगे। इसलिए वो चेनमू को एक लेटर में ये मैसेज लिख रहे थे कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं और अपना ख्याल रखना। लेकिन लेटर लिखते वक्त ही कुछ बदमाश लोग उनके घर में घुस के उन्हें मार के चले जाते हैं। अपने पेरेंट्स का लेटर पढ़ते ही चेनमू बहुत बुरी तरह रोने लगती है। ये देख यांग उसे ये कह के बेटर फील कराने की कोशिश करता है कि वो भी एक अनाथ है और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन है। कुछ देर बाद यांग उसे उसके साथ डिस्ट्रिक्ट 4 चलने के लिए कहता है, वो जगह जहाँ के कोऑर्डिनेट्स वांग ने उसे दिए थे। चेनमू का भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा हुआ है, इसलिए वो यांग के साथ जाने के लिए मान जाती है। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद ही वो डिस्ट्रिक्ट 3 नाम की जगह पहुंच जाते हैं। यांग ये देख के पूरी तरह सरप्राइज्ड है कि उसका मैप उसे गलत ले आया था। उनकी कार की बैटरी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तभी रास्ते में उन्हें दिखता है कि एक घर के लोग इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं एक कपल उनका वेलकम करता है और उन्हें कहता है कि वो कोयले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही वो औरत चेनमू को उनके वॉशरूम में बंद कर देती है और यांग के पास से कार की चाबी छीन लेती है। वो दोनों जाने से पहले यांग से सॉरी कहते हैं, फिर उसकी कार लेके वहां से निकल जाते हैं। चेनमू और यांग को अब लगने लगा है कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। वो लोग डिस्ट्रिक्ट 4 के बहुत ही करीब है, लेकिन कल एक गुंडे ने यांग के पैर पर अटैक किया था, जिस कारण वो ज्यादा चल नहीं पाएगा। यांग चेनमू से अकेले ही डिस्ट्रिक्ट 4 चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो यांग को पीछे छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो दोनों पैदल ही डिस्ट्रिक्ट 4 की ओर बढ़ने लगते हैं। कई घंटे वॉक करने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो रेस्ट करने और कुछ खाने का डिसाइड करते हैं। सूरज के पूरी तरह गायब होने से आसमान के तारे उन्हें किसी जादू जैसे लग रहे हैं। थोड़ा आगे जाते ही वो एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्हें उनकी कार भी रोड के साइड में पड़ी हुई मिलती है। लेकिन तभी कुछ माइन वर्कर्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। चेनमू को बचाने के लिए यांग अपने आप को उनके हवाले कर देता है। वो लोग यांग को ले जाके उससे कोयले की खुदाई का काम करवाना चाहते हैं, लेकिन चेनमू हार नहीं मानती और सिर्फ पेपर स्प्रे का यूज करके यांग को वहां से बचा लाती है। वो लोग माइन वर्कर्स के चुंगल से बच के तो निकल आते हैं, लेकिन वहां से भागते वक्त यांग के पैर में उनमें से एक ने गोली मार दी थी। और दोनों फिर अपनी कार में जाके वापस बैठ जाते हैं और चेनमू फुल स्पीड में कार को डिस्ट्रिक्ट 4 की ओर बढ़ाने लगती है, ताकि वो वहां किसी की हेल्प से यांग को बचा सके। कुछ देर बाद ही वो लोग डिस्ट्रिक्ट 4 के एंट्रेंस में जाके रुक जाते हैं, और तभी यांग को ये रियलाइज होता है कि उस जगह में जियोथर्मल एनर्जी है,
जो उन दोनों की जान बचा सकती है। वो आगे बढ़ते हुए ये नोटिस करते हैं कि उनकी कार की विंडो और रोड भी धीरे धीरे फ्रीज हो रही है। उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, लेकिन तभी उनके कार की बैटरी एकदम से ख़त्म हो जाती है और कार वहीं पर रुक जाती है। उन्हें पता है कि वो अब मरने वाले हैं, इसलिए वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कार के अंदर ही बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद चेनमू यांग का नाम पुकारती है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। ये देख उसे लगता है कि यांग की मौत हो गई है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी एक कार उनके साइड में आकर रुकती है। उस कार से एक कपल निकल के बाहर आता है और चेनमू और यांग को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर में ही वो लोग डिस्ट्रिक्ट 4 के एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। मूवी के एंड में बैकग्राउंड में एक आवाज़ ये बता रही है कि अर्थ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक नई गैलेक्सी की ओर बढ़ रहा है, जिसका ये मतलब है कि बहुत जल्द वो अपने नए घर पहुंच जाएगा, जहां पे 3 सूरज होंगे।